माकन साहब ने जो अपनी इच्छा जाहिर करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, क्योंकि देश के अंदर यदि कमजोर हुई है कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली के अंदर हुई है, दिल्ली के अंदर भी मजबूत करने की जरूरत है। माकन साहब हमारे कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, अच्छे सोच के धनी हैं, अच्छे विचार के धनी हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हमें दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है, इसलिए ज्यादा समय दिल्ली में देना चाहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी। आगे आला कमान तय करेगा क्या क्या। देखो हमारे सम्मानीय नेता जो माकन साहब है, बड़े नेता है कांग्रेस के अंदर, उनका सिर्फ ध्येय और लक्ष्य है, वो कोई गुटबाजी या उसमें नहीं है, प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश के अंदर देखो परिवार, कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, आला कमान ने बैठ के उसका निपटारा भी किया है, छोटी मोटी कोई बात होगी तो उसमें और निपटारा हो जाएगा। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका एक पूरे देश के अंदर बहुत एक बड़ा मैसेज जा रहा है, उसमें आम लोग उस यात्रा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उस यात्रा का मकसद और तात्पर्य और जो लक्ष्य है वो यह है कि देश के अंदर जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र है वो आज खतरे के अंदर है। मोदी जी ने जिस तरीके से लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का काम किया है, उस लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत कर उसको बचाना जरूरी है। राहुल गांधी उसी संदेश को लेकर निकले हैं, चाहे हमारी एकता और संगठन की बात करो, चाहे धर्म से जाति से हम ऊपर के राजनीति करें, पूरे देश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके जाति और धर्म की बात कर रही है, हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही है, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात कर रही है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। राहुल गांधी उसी संदेश को लेकर और गाँव गाँव ढाणी ढाणी रोड पर करीब 3,500 किलोमीटर एक से कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक जाना जाएंगे, वही संदेश देकर उससे एक पूरे देश के अंदर एकता और संगठन का माहौल होगा और इस लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, उसी संदेश को लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे कांग्रेस का जो देश का जवान हो, वो सारे मजबूती के साथ में उस यात्रा के सपोर्ट कर रहे हैं, यात्रा के साथ में लगे हुए हैं, और यात्रा का संदेश भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंचाने का काम। राजस्थान आए थे, उन्होंने कहा कि फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाया जाना बाकी है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंचेगी तो उस तरीके का फैसला आने वाला है? देखो मैं बताऊं कि ये हमारे सब आला कमान पे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित जो खड़गे जी और हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये हमारे पार्टी के जो है आला कमान है, और आला कमान जो तय करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाले समय के अंदर वो आचार्य जी का उनका अपना व्यक्तिगत सोच और विचार हो सकता है, लेकिन जो भी है कि आगे आने वाले 2023 के चुनाव में प्रदेश का आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उनका सबका ध्येय और लक्ष्य है, उनका मन विचार सोच एकता और संगठन से लोगों के बीच में जाना, और यही राजस्थान की जनता 2023 के चुनाव के अंदर हमें अच्छे बहुमत से वापस कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का काम करेगी। देखो कांग्रेस किसी भी सीएम के उम्मीदवार का चेहरा लेकर कभी चुनाव आज तक लड़ा नहीं, विधानसभा के 2023 के चुनाव में हम सब लोगों का ध्येय एक है, कांग्रेस का चाहे ढाणी में बैठा हुआ कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का बैठा हुआ चाहे शहर के अंदर कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता छोटे मोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय है कि 2023 के अंदर हमें एकता और संगठन से कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताना है और कांग्रेस से सरकार को लाना है। देखो उसमें मैं बताऊं आपको कि हरीश चौधरी नहीं, हमारे ओबीसी से जुड़ी हुई जो है बहुत बड़ा तबका है, उसमें 91 जातियां इस ओबीसी से जुड़ी हुई है प्रदेश के अंदर, और प्रदेश में आबादी का करीब 52% से ज्यादा हमारी ओबीसी जो है आबादी है, तो उसमें हमारे युवाओं के साथ में नो डाउट हम सब लोग साथ हैं कि विसंगति जो है ओबीसी के आरक्षण के अंदर, उस विसंगति को हमने सरकार से निवेदन किया है कि इसको आप समय रहते आपको दूर करना चाहिए, जिससे हमारे ओबीसी के जो प्रदेश का जवान है उसको एक बहुत बड़ी राहत मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। तो हम सब मिलकर
और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। अभी आपको पता होगा कल ही जो है हमारे ओबीसी के जो जवान हैं, जो ओबीसी के हमारे अग्रणी जो नेता हैं, उन सबको बुलाया, उसके बारे में चर्चा करी कि हम किस तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं और विसंगति को हम दूर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी एक अच्छे सोच और विचार से जल्दी इसका समाधान करेंगे, उस विसंगति को दूर करेंगे। पूरे राजस्थान में यूरिया की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यूरिया का जो आवंटन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है स्टेटों को, उसमें हमारा स्टेट जो है जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से कटुता और द्वेषतापूर्ण राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है हम हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार होने से वो एक द्वेषता और कटुता की राजनीति कर रहे हैं। जो हमारा आवंटन है, जो हमारा कोटा है, उसके तहत समय पे हमें आवंटन नहीं कर रहे हैं। आपको चार दिन पहले हमने पीएसए को भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, एग्रीकल्चर को, जयपुर के अंदर वहाँ बैठ के हमने बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया है और बार बार हमारी सरकार जो है केंद्र सरकार को लिख रही है कि किसान को जिस तरीके से कोटा टोंक संभाग की बात करी, आज टोंक जिले की अपन बात करें, टोंक जिले के अंदर आज निवाई में मैं अभी रुका था किसानों के बीच में, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे उद्यमी साथी से उनके से बीच में, क्योंकि इस इलाके के अंदर सरसों की फसल जो है ना कैश क्रॉप है, बहुत बड़ी तादाद में फसल होती है, उस सरसों की जो है ना सोइंग भी जो है ना अर्ली हुई, तो उनको आगे पानी का टाइम आ गया, उनको यूरिया चाहिए, यूरिया देने के बाद में जो है ना पानी लगेगा, तो उसमें किसानों की समस्याएं बिल्कुल वाजिब है। और वो बात मैंने अभी गाड़ी के अंदर संबंधित अधिकारियों से मैंने बात करी है, करीब 1500 टन हमारे टोंक जिले को आवंटन हो तुरंत एक या दो दिन के अंदर, तब हमारा किसान जो है ना काफी मदद हो सकती है और हमारे किसान की फसल बच सकती है। तो इसमें ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो यूरिया की जो किल्लत है उस किल्लत को हम कोशिश करके और किसान को समय पे यूरिया पहुंचाने का काम करें।